अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, असमुस टीवी चैनल का संडे कमेंट बॉक्स में आप सभी को मेरे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो दोस्तों आज संडे कमेंट बॉक्स में सबसे पहला जो क्वेश्चन क्या है वो क्या है, टी जी बॉय उन्होंने क्वेश्चन क्या है, भाई आई एम योर बिग फैन, थैंक यू सो मच। हमारा क्वेश्चन इज दिस, मेरा रैबिट पंपकिन सीड्स खाता है, क्या लुकिंग प्रॉब्लम, मतलब कोई प्रॉब्लम ठीक है, प्लीज रिप्लाई इन संडे कमेंट बॉक्स प्लीज प्लीज प्लीज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर देने से पहले मैं आप लोगों को कुछ और कहना चाहता हूँ। तो जो पम्पकिन है, कद्दू है, वो रैबिट के लिए सेफ है, आप खिला सकते हैं, और कद्दू के जो पत्ते हैं वो भी आप अपने रैबिट को दे सकते हैं, लेकिन जो कद्दू का सीड्स है, बीज है, वो आप अपने रैबिट को नहीं खिला सकते क्योंकि ये काफ़ी हार्ड है, रैबिट को डाइजेस्टिव होने में काफ़ी वक्त लगते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोहित घोष उन्होंने क्वेश्चन क्या है, क्या मैं अपने दो रैबिट्स को चोकर खिला सकता हूँ क्या, अगर दिन में कितने बार खिलाना चाहिए, मेरा रैबिट 2 मंथ 15 डेज का है, प्लीज़ 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 आंसर मी ऑन संडे कमेंट बॉक्स। तो यहाँ पर आपने किसका ब्रांड है चोकर है वो आप मेंशन नहीं किया है, तो जो गेहूं का चोकर है वो अपने रैबिट को दे सकते हैं, और दिन में एक बार ही खिलाइए ठीक है, ज़्यादा मत खिलाइए क्योंकि रैबिट का जो मेन डाइट है वो है घास और हे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जया किशन कुमार जेके, हाय भाई, हेलो भाई, एक मेल रैबिट फीमेल रैबिट को कितने सालों तक प्रेग्नेंट कर सकता है, आई एम योर बिग फैन, प्लीज़ बताए संडे कमेंट बॉक्स। तो एक मेल रैबिट जब 8 महीने के ऊपर हो जाते हैं तो उसको आप ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, और एक मेल रैबिट को 2 से 3 सालों तक आप ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शाहिर जबरान उन्होंने क्वेश्चन क्या है, सर रैबिट को रोटी हफ्ते में कितने बार खिला सकते हैं, प्लीज़ रिप्लाई इन संडे कमेंट बॉक्स। तो सबसे पहले मैं आपको मना करूँगा कि आप अपने रैबिट को जो रोटी है वो मत खिलाइए, फिर भी आप लोग खिलाना चाहते हैं तो इतना सा 1 या 2 टुकड़े आप अपने रैबिट को दे सकते हैं, उससे ज़्यादा मत खिलाइए, ये रैबिट के लिए इतना सेफ नहीं है, आप खिलाइए मत, ना खिलाना ही बेटर होगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आमिर खान, भाई साहब मैंने आपकी वीडियो आज ही देखी और चैनल सब्सक्राइब कर ली, थैंक यू। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने अपने घर में रैबिट पाला है और मैं उनमें फ़र्क नहीं कर पा रहा हूँ, कौन मेल है कौन फीमेल, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। तो देखिए इस टॉपिक पर, यानी खरगोश का मेल फीमेल कैसे पता करें, चेक करें, इस टॉपिक पर ऑलरेडी मेरे चैनल पर करीब 4 वीडियो है। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे कि रैबिट मेल फीमेल डिफरेंस इन हिंदी तो शायद मेरा ही वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, अगर नहीं मिलता है कोई बात नहीं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं और आपका रैबिट मेल है या फीमेल है वो आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रजनी मदन उन्होंने क्वेश्चन क्या है, सर मेरी एक फीमेल रैबिट है एज 4-5 मंथ्स अप्रोक्स, हमने उसे बेड डॉक्टर को दिखाया था जस्ट फॉर रूटीन चेकअप एंड इंक्वायरी फॉर केयरिंग, उन्होंने बताया कि हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डेली खाने में दे सकते हैं, पर आप बता रहे हो कि ट्रीट फॉर्म में देना है ठीक है, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। तो देखिए कौन सा डॉक्टर ने बताया आई डोंट नो, बट जो वेजिटेबल्स है वो अपने रैबिट को रेगुलर बेसिस पर 10% करके या 15% करके आप दे सकते हैं, लेकिन जो फ्रूट्स एंड ट्रीट्स है ठीक है, ये आप हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 दिन दे सकते हैं, रेगुलर बेसिस पर आप ट्रीट्स और जो फ्रूट्स है वो नहीं दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर शुगर रहते हैं जो रैबिट के लिए बिल्कुल सही नहीं है ठीक है। तो एज अ ट्रीट आप हफ्ते में 1 या 2 दिन जो फ्रूट्स है जो ट्रीट्स है वो दे सकते हैं, और जो वेजिटेबल्स है वो आप रेगुलर बेसिस पर दे सकते हैं, साथ में 80-85% हे और ग्रास होना ही होगा ठीक है, ये कंपलसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुफिन चेरी उन्होंने क्वेश्चन क्या है, सर मैंने न्यू रैबिट लिए है, क्या मैं उनको मैंगो लिप्स दे सकती हूँ, यस ऑफ कोर्स, मैंगो लिप्स रैबिट के लिए सेफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरजी प्रशिक उन्होंने क्वेश्चन क्या है, नमस्ते सर, नमस्ते, प्लीज़ मुझे रिप्लाई देना, मुझे ब्राउन रैबिट चाहिए नहीं तो ब्लैक, तो मेरे पास सिर्फ व्हाइट मेल है, आप ये व्हाइट ही है सब खरगोश, प्लीज़ रिप्लाई संडे कमेंट बॉक्स। तो अगर आपको मल्टीपल कलर का रैबिट्स चाहिए तो आपको क्या करना होगा, आपका जो फीमेल रैबिट है उस फीमेल रैबिट के साथ मल्टीपल कलर का जो मेल रैबिट है उसके साथ ब्रीडिंग करवाना होगा, देन आपको मल्टीपल कलर का रैबिट के बच्चे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोशनी सही, सर क्या रैबिट को पीरियड होता है, रैबिट को पीरियड नहीं होता है, एक बार ही होता है जब कोई फीमेल रैबिट मैच्योरिटी गेन करती है, एडल्ट हो जाती है ठीक है, देन थोड़ा ब्लडिंग हो सकती है, बट
अगर इससे अलावा रैबिट के यूरिन के साथ ब्लड निकलते हैं तो ये ग्लैडब्लैडर स्टोन का सिम्टम्स है। आपका रैबिट बीमार है, आप जल्दी से एक वेट डॉक्टर को दिखाइए। और एक बात, जो प्रेग्नेंट रैबिट है वो बच्चे जाने के बाद, ठीक है, एक या दो दिन ब्लीडिंग थोड़ा थोड़ा हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्यन क्रिएशन, उन्होंने क्वेश्चन क्या है, सर मुझे 25 दिन का रैबिट लेना है तो कितना प्राइस होगा। प्राइस की बात तो छोड़िए, आप 25 दिन का रैबिट का बच्चा कभी भी एडोप या बाय मत कीजिए, क्योंकि इस समय वो बच्चे माँ का दूध पीते हैं, ठीक है। तो मिनिमम 2 महीने के बच्चे को आप एडोप कीजिए। जब खरगोश के बच्चे माँ का दूध पीना छोड़ देते हैं, बिल्कुल छोड़ देते हैं, देन आप उस बच्चे को एडोप या बाय कर सकते हैं। उससे पहले मत बाय कीजिए, उस बच्चे का जान खतरे में जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिया खान, उन्होंने क्वेश्चन क्या है, सर रैबिट को कौन कौन से पत्ते खिला सकते हैं, प्लीज रिप्लाई इन संडे कमेंट बॉक्स। नाइस क्वेश्चन, आप अपने रैबिट को जो कोकोनट लीव्स है, आई मीन नारियल के पत्ते, कद्दू के पत्ते, जैक फ्रूट के पत्ते, बैम्बो लीव्स, मूली के पत्ते, गाजर के पत्ते, मक्के के पत्ते, लौकी के पत्ते, केले के पत्ते, सरसों के पत्ते, धनिया, पुदीना के पत्ते, तुलसी के पत्ते, ये सब कुछ आप अपने रैबिट को बिना हेसिटेट किए हुए दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दशरथ ठाकुर, सर हम अपने रैबिट के पिंजरे में पानी वाला कपड़ा रख सकते हैं क्या, प्लीज रिप्लाई टू संडे कमेंट बॉक्स। तो देखिए, आपका जो एम है वो है कि रैबिट को ठंडा रखना, ठीक है। तो आप अपने रैबिट के केस के अंदर रैबिट को ठंडा रखने के लिए जो भीगे हुए कपड़े वो आप नहीं रख सकते हैं, केस के चारों ओर मतलब आउटसाइड, ठीक है, कपड़े या टॉवल को भिगो के केस के चारों ओर रख सकते हैं, इससे रैबिट को ठंड मिलेगा। लेकिन केस के अंदर मत रखिए, क्योंकि वहां पर जाके रैबिट सो जाएगा, इससे रैबिट को कोल्ड लग सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अफराज गेमिंग, उन्होंने क्वेश्चन क्या है, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, मेरा फीमेल रैबिट प्रेग्नेंट है, मैं पैलेट्स खिला सकता हूँ, प्लीज रिप्लाई इन संडे कमेंट बॉक्स। यस, आप पैलेट्स खिलाइए, जरूर खिलाइए, ये रैबिट के लिए बहुत ही अच्छा है, और जो प्रेग्नेंट रैबिट है उनके लिए और भी अच्छा है, क्योंकि ये खिलाने से माँ बच्चे और बच्चे देने के बाद भी एक फीमेल रैबिट परफेक्टली दूध जनरेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन MD सब्बीर अहमद, उन्होंने क्वेश्चन क्या है, सलाम वालेकुम अस्सलाम भाई, मेरा एक रैबिट है नेम मुनी, उसको लेके ट्रेन में कैसे ट्रेवल करे, क्योंकि मैं बेंगलोर में रहता हूँ और मेरे घर कलकत्ता है, प्लीज़ रिप्लाई ऑन संडे कमेंट बॉक्स। तो अगर आप अपने रैबिट के साथ कहीं ट्रेवलिंग करना चाहते हैं, चाहे वो कार हो या फ्लाइट हो या ट्रेन हो, तो स्पेशली रैबिट के हाथ से मिलता है, ऑनलाइन मिलता है, पेट शॉप पर भी मिल जाएगा नो डाउट, तो ये खरीद कर आप अपने रैबिट्स को कहीं भी लेके ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, और कोई क्वेश्चन नहीं है, यही था कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मिल गया है, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को काफ़ी नॉलेज मिला है रैबिट्स के बारे में। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम दूसरे को इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग खुश रहे, मस्त रहे, इस चैनल से जुड़े रहे, खुदा हाफिज। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, एक्चुअली एक क्वेश्चन है जो रैबिट के रिलेटेड नहीं है, बट रिप्लाई देना मैं ज़रूरी समझा। JKS रैबिट फार्मिंग, उन्होंने क्वेश्चन क्या है, भाई आपको सबसे पहले YouTube की तरफ से कितना पेमेंट मिला था, तो करीब $109 मिला था, अगर उसको इंडियन रुपये में कन्वर्ट करें तो इस वक्त करीब 8000 प्लस है, इतना ही मुझे फर्स्ट पेमेंट YouTube की तरफ से मिला था।